राम राम जी, आप सभी भाइयों को आप सबका स्वागत है एक बार फिर से विपिन भाटी ब्लॉग्स में। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं नैनीताल उत्तराखंड की यात्रा पे। जाओ जाओ जल्दी से बैठ। तो चलो निकलते हैं, अभी टाइम हो रहा लगभग 7:30 बजे का। यहाँ से ले रहे हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे आने के बाद दोबारा कहने लगा 5 बजे के बाद है। फिर हमने वहाँ बैठ लिया उनकी मैट में। आ चुके अब बुआ के घर। चलो चाय पानी पी के जब निकलेंगे आगे। मुझे जल्दी मुरादाबाद अभी दूर दिखे आ लिया। अभी कितने है? 40 किलोमीटर है ना, 30-40 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, 35-37। अभी पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। रेलवे लाइन ही चल रही बराबर में है, खत्म हो गई। हां तो है तो भारत पाना कौन है टर्निंग पे हल्द्वानी बाईपास रोड पे बात को हमारे भीमताल भाई से भीमताल है। अभिषेक चल रहा कोल तो अभी ले लिया हमने कोल्ड ड्रिंक खाना खाने के बाद। अब कोल्ड ड्रिंक लेंगे। चलो तो एक मंदिर के रास्ते में शीतला माता का यहाँ रुके हैं फिलहाल। ये रहा मेरे पीछे। चलो अभी
बारिश और ये बैठा बर्थडे बॉय। एक यहाँ ब्रेक लिया था छोटा सा, वैसे रुके थे थोड़ा सा इस तरफ, एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ रुके थे हम। फिर अभी से एक साथ में हमारे गाड़ी खड़ी अपनी, पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा। असल में मौसम चेंज हो गया है, जैसे ही हम वहाँ से हल्द्वानी से ऊपर आए अचानक से बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की, और मौसम में काफ़ी बदलाव है। तो अभी चलो चलते हैं आगे पहले, फिर देखते हैं आज कहाँ स्टे करेंगे। तो फाइनली जो है अभी भीमताल में आकर रुक गए हैं, और यहाँ पर एक रूम मिल गया, हमने रूम ले लिया है, और यहाँ से जो भीमताल भी पास नहीं है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ भीमताल, ये है भीमताल का दृश्य कुछ ऐसा। गाड़ी खड़ी अपनी यहाँ, ये खड़ी सामने गाड़ी, और ये रही ताल भीमताल। तो अभी फ्रेश व्रेश होएंगे, फिर चलेंगे भीमताल भी, खाना वाना खाना है, और घुमाऊंगा आपको भीमताल। तो फाइनली अभी अभी निकले हैं होटल से अपने से बाहर भीमताल की ओर, और आपको एक बात बतानी है, आज हमारे छोटे भाई का बर्थडे है, तो बर्थडे इसका आज यहीं सेलिब्रेट करा जाएगा भीमताल में, आज यहीं का स्टे रहेगा। ये नाव वाव पीछे है, अभी चली नाव कुछ भी बंद है आज है। ये है मेरे सामने, अब दिखाता हूँ भीमताल का व्यू कैसा आ रहा है। ये है जी भीमताल का व्यू कुछ ऐसा, ये भीमताल। ये जा रहे आगे दो हमारे, और एक गया है इधर। मौसम है यहाँ चेंज है, दो तीन दिन। तो ये जी भीमताल का व्यू कुछ ऐसा, बैक साइड में हमारे पीछे भीमताल है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर सात ताल है, जैसे एक ताल है भीमताल, इस तरह की यहाँ सात ताल है भीमताल में। तो ये कुछ फोटो का सेशन चल रहा, एक मेरा खींच, अभी से एक फोटो वगैरह खींच रहा है। तो आज एक अभी से एक का जन्मदिन भी है, स्पेशल दिन है, तो यह का जन्मदिन आज भीमताल में सेलिब्रेट करेंगे ही हम। चलते हैं फिर घूमते फिरते शहर में, खाना पीना खाएंगे, तेरे बहुत शानदार शानदार उस तरफ चलते हैं घूमने। बोट राइडिंग यहाँ होती है, लेकिन वो अभी बंद है, वो सुबह मॉर्निंग में होगी, तो देखेंगे अगर। तो ये है जी कोई एक मंदिर, और ये आ रहा रात का लेक का व्यू, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। इधर से घूमते फिरते हम आए, और बाकी चलो कुछ इस तरफ बने हुए कॉटेज, यहाँ पर रिजॉर्ट वगैरह बहुत है लेक के आसपास। एक ये सामने लेक के अंदर भी रिजॉर्ट है, आप जहाँ स्टे करना चाहो कर सकते। श्री भीमाश्वर महादेव का मंदिर भी है यहाँ पर। चलो ओला गिरा था, परसों ओला गिरा, आज भी इंतजार हो रहे थे ओला गिरा।
ये यहाँ पे एक मात्र वेज रेस्टोरेंट यही है, बाकी सब में नॉन वेज मिलता है। ऋतु राज के नाम से है ना, क्या नाम है? ऋतु राज रेस्टोरेंट के नाम से ओनली, एकमात्र यहीं पे। तो फाइनली लगभग 5-6 किलोमीटर चलने के बाद हमें अभिषेक का केक मिल चुका है। अब चलेंगे और चल के अभिषेक का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे होटल पे। वहाँ चल के दिखाएंगे तुम्हें अभिषेक के बर्थडे का सेलिब्रेशन। चलो चल भाई, खड़ा चल भाई, बर्थडे पर काट अपना केक। तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अभिषेक का जन्म। Happy birthday to you, Abhishek. ले नहीं भाई खावा ना, मेरी जोड़ भी है थोड़ा सा। तो अभिषेक का जन्मदिन में आ रहे हैं भीमताल में। क्यों? स्पेशल आया अभिषेक के जन्मदिन के लिए। आज जन्मदिन मनाने के लिए इतनी दूर आए नैनीताल से। 3 रुपये बेटा अभिषेक। कुछ 100 रुपये का आइटम ना तो तू। अभिषेक को केक कट चुका है।